राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का कथित सट्टेबाजी वाला वायरल वीडियो कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। आज इस मुद्दे पर विधानसभा में सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। गौरतलब है कि इस कथित वायरल वीडियो में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी बोल रहे हैं कि उपचुनाव के सट्टे में मेरे 3 करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन बाद में डूडी ने सफाई दी कि यह बात एक मेरे दोस्त की थी। इस वीडियो में डूडी सट्टा बाजार में चल रहे उन भावों का जिक्र करते हैं जो चुनाव के वक्त जारी था। वे अलवर से लौटने का उल्लेख करते हुए सट्टे का वह दाम भी बता रहे हैं जो उनकी जानकारी में है। अभी एक बार वो मारे थे तो उसने पूछा था आपके वो धर्मेंद्र राठौर का वो कोई सब्जी वाले को कह रहे थे तो 5 पैसे बताया था अलवर का और 20 पैसे आज नहीं 20 पैसे वो वोटर आते वोटर से ये बात करते सट्टे बाजार विश्वास करो दिन थे सट्टे बाजार दो विश्वास करो अच्छा सारा कैमरा ऑन है अब उधर आज विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष को इस मुद्दे पर घेर लिया। प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त हुआ, शून्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह काफी बड़ा मामला है और इस कथित वायरल वीडियो मामले की जाँच की जानी चाहिए। उनके अति निकट का व्यक्ति उनसे बात कर सकता है। आज मेरे घर के अंदर मेरे ड्राइंग रूम और मेरे बेडरूम में वही जाएगा जो मेरे अति निकट का व्यक्ति है। ये एक उनके अति निकट के व्यक्ति ने उनसे इस तरह का मतदान करवा के और एक उनके इमेज को हमेशा मिले बैंक कर कांग्रेस के विधायक नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं बीजेपी के भी कई नेताओं की सीढ़ियाँ बनी हुई रखी है, क्या वो समय का इंतजार कर रहे हैं? मैं ये समझता देखिए हम मैं किसकी सीढ़ी क्या बनी क्या नहीं बनी, अगर उनके पास कोई तथ्य है तो सामने लेकर आए, तो सीढ़ी में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ये तो उजागर हमें तो मैंने तो चिंता व्यक्त की है क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र के अंदर प्रतिपक्ष के नेता सदन का एक महत्वपूर्ण अंग है और मेरे तो मित्र भी है। वो चिंता तो होकर मैंने इस मामले को उठाया था कि वो अपनी स्पष्टता से अपनी बात को अगर कह देंगे तो पूरे राजस्थान के आम आवाम के पास सच्चाई खुली जाएगी, इसमें जो और कोई हेतु नहीं था और कोई मत। वहीं संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान के बाद सदन में हंगामा बढ़ गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित किया, लेकिन जैसे ही दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो इस दौरान भी सत्ता पक्ष ने इस कथित वायरल वीडियो को लेकर चर्चा की। वहीं नेता प्रतिपक्ष से मांग की कि वह सदन में साफ करे कि इस कथित वायरल वीडियो में वह नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि सदन में मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं जो गलत है। मैंने वीडियो नहीं देखा, ना मेरे को वीडियो का पता और ना ही ऐसी कोई बात है क्योंकि मैं एक सट्टा बाजार की उसमें बात की। ये तो सटोलियों का काम, भारतीय जनता पार्टी का आम नेता पैसे वाला और जिसके पास पैसा होता है वही सट्टा लगाता होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो लगाता है, लेकिन मुझे ये अंदेशा है क्योंकि सट्टे में पैसा चाहिए और पैसा हम लोग गाँव और खेत के आदमी हैं, हमारा हम मेहनत करके कमा के खाने वाले आदमी हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करता है मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मेरे से कोई लेना ना कोई देना। वीडियो की जांच कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं बीजेपी के भी कई नेताओं की सीढ़ी उनके पास पड़ी है, उनकी तो सीढ़ियाँ हमेशा बनकर जा रही है। इस दौरान हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कुल मिलाकर उपचुनाव में हार के बाद बैकफुट पर चल रही भाजपा को इस नए मामले में कांग्रेस पर पलटवार का मुद्दा मिल गया है। डूडी भले ही सफाई दे रहे हों कि सट्टे का यह जिक्र उनके दोस्त से जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इस अवैध काम की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने जनप्रतिनिधि का फर्ज निभाते हुए पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। देखना है कि कांग्रेस के आला नेता अब इसे लेकर क्या कदम उठाते हैं।